बिहार के दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सह स्नातकोर रसायन विज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। उन्हें धमकी भरा पत्र बुधवार की शाम डाक पोस्ट के माध्यम भेजा गया और इस पूरे मामले को लेकर के खुद प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने क्या कुछ बताया है वो सुनिए। आज ही लगभग 4 बजे के बाद में ऑफिस बैठा हुआ था तो पोस्ट से एक पत्र आया, मेरा चपरासी दिया हमको। तो वैसे तो लग रहा था कि सामान्य कोई चिट्ठी है, लेकिन मैंने खोला तो उसमें धमकी भरा हुआ था और वो धमकी भी की जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कोई मेरे पर ब्लेम नहीं है, लेकिन उसमें यही लिखा हुआ है कि आपका सर अलग कर देंगे और पूरे परिवार का कर देंगे, कभी भी कर सकते हैं। तो इससे घबराहट हुई। क्या जो खत लिखा है उसमें लाइन क्या है? उस लाइन को, उस लाइन में लिखा हुआ है कि आपको एक काम दिया जा रहा है और वो काम नहीं करेंगे तो जिहादी लोग आपका सर अलग कर देंगे, तन से जुदा कर देंगे। ये उसमें भी और भी कोट किया हुआ है कि ये अल्लाह का आदेश है। हाँ, कुछ ऐसा है कि अल्लाह का आदेश है आप ये करने का, अगर आप हमारा काम नहीं करते हैं तो। काम क्या कहा गया? काम कहा गया हमारे यहाँ के एम्प्लाई हैं सर शेखर झा, डेमोस्ट्रेटर हैं, उनका यहाँ से जीडी कॉलेज बेगूसराय या 20 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र करवा दीजिए, उन पर कुछ एलिगेशन लगा दिए। तब सवाल है कि ट्रांसफ़र करा दीजिए, मैं तो कर नहीं सकता हूँ, कोई कंप्लेन था तो विश्वविद्यालय में करना चाहिए, मैं कौन हूँ उसमें। जो घटना लिखा हुआ है उस घटना को लेके क्या कुछ पता चल रहा है? हाँ, मैं बाद में विभाग में चर्चा किया तो मुझे पता चला कि जो उसमें चर्चा दो बातों की है, एक बार चोरी भी विभाग में हुआ था और एक बार बच्चों से जो उसमें नाम लिखा हुआ है विमल कुमार चौधरी के समय में, तो उस समय में डेंटल का सेंटर पड़ा था तो उस समय में बच्चों से किताब तब छीना गया था, ये जानकारी हमको मिली है। तो क्या लगता है इस खत के बाद जो है आपका और अपने परिवार का या फिर पुलिस को सूचना दी किस स्थिति में आप लोग? नहीं, हम लोग तो बहुत पैनिक इसलिए हैं कि कोई ऐसा रहता कि ये आरोप है ऐसा करेंगे तो ठीक था, बहुत भाषा बहुत ही खतरनाक है और हमसे ज़्यादा मेरे परिवार के लोग, मेरी 100 साल से ऊपर की बूढ़ी माँ है, मेरी पत्नी है, तो सारे लोग पूरे जो सुने हैं सभी परेशान हैं। तो घबराहट तो मुझे भी है ही, और जबकि मुझे दिखता नहीं है मेरा कोई दोष है। जो भी घटना की चर्चा है वो 25-30 साल पहले की है और मैं तो फिर 4 महीना पहले गया हूँ। शिकायत कहीं की है? मैंने अभी अपने कुलपति महोदय को, कुल सचिव महोदय को और थाना अध्यक्ष को दे दिया लिखकर, और 2 आवेदन लिखा हूँ जो मैं कल SP और IG को देने वाला हूँ, और 1 WhatsApp अभी मैंने SSP को भी किया है। बातचीत हुई तो आपने सुना प्रेम मोहन मिश्रा को, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी।